नमस्कार दोस्तों, मीत हुड्डा के साथ में एक नया गेम खेलते हुए नजर आएंगे मीत अलहाबत, जो कि मीत हुड्डा से बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि मैं चाहता हूं कि मंजरी तुम मेरे से शादी करो। क्योंकि दोस्तों मीत अलहाबत ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार इस लड़की की सोच कहां तक है, लेकिन दोस्तों वो भूल चुके हैं कि ये मंजरी नहीं है बल्कि ये मीत है। और मीत हुड्डा हमेशा से ही अपने कायदे कानून के अनुसार चलती हुई नजर आई है, और अब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपकमिंग एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा। मीत के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत सभी लोगों के बीच में बोलती हुई नजर आने वाली है, और बोलती हुई नजर आएगी कि ये थोड़ी ना है कि जब चाहे जब तुम उससे शादी करो और जब चाहे जब तुम अपनी मर्जी चला सको, क्योंकि मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ और मेरी मर्जी है कि मैं तुमसे शादी ना करूँ। दोस्तों इस समय जो कि मीत अलहाबत पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीका से सभी के सामने सच आ जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अपकमिंग एपिसोड में जहां मासूम एक चाल चलती हुई नजर आने वाली हैं मीत के साथ में, और मासूम बोलती हुई नजर आएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर इसका पर्दाफाश किया जाए। लेकिन इनको अब लग रहा है कि ये मीत हुड्डा नहीं है बल्कि ये मंजरी ही है, और अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि मंजरी को वो बोलती हुई नजर आएंगी कि मंजरी तुम इस घर में ज़्यादा समय तो नहीं रुक पाओगी, क्योंकि पहले इन लोगों को डाउट था कि ये मीत है, लेकिन अब इनको विश्वास हो चुका है कि ये मंजरी है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मीत हुड्डा ने किसी को पता नहीं लगन दिया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मीत हमेशा से ही अपने कायदे कानून के अनुसार रही है, और सभी के सामने ये बोलती हुई नजर आई है अब कि मैं मंजरी हूँ और मैं सिर्फ पापा जी की वजह से इस घर में रुकी हुई हूँ। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से सभी लोग बोलते हुए नजर आएंगे कि मंजरी तुम हमें छोड़कर मत जाना। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए।